हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस डाले थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ध्यान से कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाओ और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप उनको करो। साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको करने के लिए, उन्हें भी आपको लगाना है। वीडियो पॉज करके आप उन क्वेश्चंस को लगा करके फिर देखो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने क्या दिया है। बहुत ईजी है मैथ्स में 100 out of 100 लाना। अगर आपने PCM ग्रुप चूज किया हुआ है तो आपके मार्क्स मैथ्स में एटलीस्ट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जब भी आप बीटेक में या BSc में किसी भी बड़े क्लासेज में जब जाएंगे आप, तो वहाँ पे ये परसेंटेज माने रखते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट के लिए इन मार्क्स को देखते हैं। तो आज से आप अपना एक ब्रेन का माइंड सेट कर लो कि हमें हर हालत में, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, मैथ्स में हाइएस्ट अचीव करना है। और ये काम बहुत ईजी हो सकता है अगर आप मेरे साथ पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखते हैं, और मेरे जितने भी न्यू लेक्चर्स आते हैं अगर उनको आप प्रॉपर तरीके से वॉच करते हैं तो आप मान के चलो आपकी मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x plus 3। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि मैं अभी स्टार्ट कर पाऊँ, फिर मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लूँगा जो बच्चों ने मुझे पूछा हुआ है आपके व्हाट्सएप एंड अदर ग्रुप्स पे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअल में। यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो ये वेरिएबल है, केवल यही वेरिएबल नहीं है, साथ में मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायरिंग टर्म लगा हुआ है, मुझे उसे भी बहुत वॉच करना है, इजंट इट। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं इसके ऊपर ये लगा लूँगा, यू गॉट द पॉइंट। देखो, मैथ्स को इजी करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, उसी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा। आपको पता है इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इजंट इट। ये सब बातें पता है आपको, तो मैं जस्ट क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। आपने पुराने लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं, तो d ओवर dx ऑफ कितना आएगा, पता है आपको कितना आता है। देखो यहाँ पर आपके पास 2 - 1 होगा, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो यही होता ना। ठीक है, और ये 2 पहले आ जाता, क्लियर है, यही कंसेप्ट होता है अंदर। जो भी आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है, sin 2x plus 3, क्लियर है, sin 2x plus 3। देखो भाई, जो रेड कलर का मैंने लिखा है इसी वजह से लिखा है ताकि वो एग्जैक्टली x नहीं है। अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता, उसका डिफरेंशिएशन 1 आता, तो हम उसे लिखते ही नहीं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है उसका अगेन डिफरेंशिएट जरूर किया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, d ओवर dx ऑफ जो भी आपने रेड मार्क में लिखा हुआ है वो क्या है, sin 2x plus 3, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास, क्लियर, ओके। अब आपके पास क्या आया, 2 sin 2x plus 3 into, अब आपको क्या फोकस करना है, क्या ये साइन एक्स है, आंसर है नहीं है। ठीक है ना, आंसर है नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का जो एंगल है वो चेंज है। तो ठीक है, बात समझ आ गई मुझे, मुझे क्या करना, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स कितना है मेरे पास, 2x plus 3, यू गॉट द पॉइंट, 2x plus 3। मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल है इसका उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा, दैट्स वेरी सिंपल, d ओवर dx ऑफ 2x plus 3। ठीक है ना, बहुत ईजी है, क्योंकि आप समझो अगर आप यहाँ पे वीक रह गए, आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो ये हायर क्लासेस में आप क्या करोगे, आप समझो ना, समझना तो पड़ेगा ही आपको ये। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपके। अब कितना आया, ये आया 2 sin 2x plus 3 cos 2x plus 3। ठीक है भाई, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, 3 का 0, रिजल्ट कितना बचा, ओनली 2, क्लियर, हो गया फिनिश, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लग सकते हैं, आपको पता है कि 2 sin a cos a कितना होता है, sin 2a, यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर, sin 2a आप इसको लिख सकते हो।
तो क्या हो जाएगा रिजल्ट मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 2 साइन 2 इंटू ए, ए कितना मेरे पास एंगल, ये है, दैट इज द करेक्ट रिजल्ट। समझ आया? तो ये एक तरीका था मैंने अभी जस्ट कि आपको एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया जिससे आप थोड़ा सा ट्रिक सीख पाए। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से देखो। जैसे जब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं ना कि समझ नहीं आता करना क्या है, एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है अपनी, जो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसके अंदर लैग करती हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर रह जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को पूरी चीज़ें सिखाई नहीं जाती। जैसे लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये हम लोगों को नहीं सिखाई जाती, जबकि कुछ जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं। जस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, वाई इक्वल्स टू लॉग बेस 7 टू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन इज वाई इक्वल्स टू लॉग 7 टू एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन है। समझ आया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अगर मुझे लॉग के कुछ फॉर्मूले पता हूँ, अगर मैं लॉग के कुछ फॉर्मूले जानता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लूँगा। ठीक है, समझते हैं कुछ फॉर्मूले क्या क्या होते हैं लॉग के, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लॉग के। और अगर आपको कभी भी फॉर्मूले से रिलेटेड कभी कोई परेशानी हो, नहीं समझ आते हैं फॉर्मूले, लर्न नहीं होते हैं, तो कुछ सुपर ट्रिक्स के मेरे फॉर्मूले हैं, वो मेरी वेबसाइट पे, या अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं आपको फॉर्मूले भेज दूंगा। ठीक है, इससे आपको याद करना रियल में काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही कुछ ट्रिक्स बना रखे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन क्या करूँगा, वी नो दैट लॉग ए बी इक्वल्स टू लॉग अपॉन लॉग, क्लियर, बेस कितना हो गया ई, नेचुरल लॉग ई, यू गॉट द पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी ए, वेरी सिंपल, सीधा सा मतलब है कि जो चीज ऊपर दिख रही है उसको न्यूमरेटर में, जो चीज नीचे दिख रही है उसको डिनोमिनेटर में। मैथ्स ऐसे ही इजी होती है। ठीक है, तो यहां कहता है ये ऊपर दिख रहा मुझे, इसको मैंने न्यूमरेटर में डाल दिया, इसको नीचे दिख रहा था डिनोमिनेटर में, दैट्स इट। अब जरा चेक करते हैं क्या होगा मेरा क्वेश्चन, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर y इक्वल्स टू log एक्सपोनेंट के थ्रू e के थ्रू, ये कितना आया 2x माइनस 3 अपॉन log e 7। समझ आया? देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर के तुरंत सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ी देर उस क्वेश्चन को देखते हैं, उनमें एनालिसिस करते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। समझ आया? तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे, हो सकता है ये करके देखूं इस क्वेश्चन पे। कभी भी जो क्वेश्चन मिलते हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आपको करने में 5 मिनट्स लगते हैं, उन क्वेश्चंस को करने में अगर आपको 3 मिनट्स लगते हैं, तो मैं कहता हूं आप 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स आप इस चीज़ पर लगा दो कि इसमें मैं और क्या अप्रोचेज लगा सकता हूं। तो कभी कभी वो जो आपके 3 मिनट्स की जो वर्किंग थी वो और कम हो सकती है। समझ आ रहा है? कंपटीशन में भी हम लोग यही सजेस्ट करते हैं बच्चों को, बच्चे बड़े आराम से कोई भी बड़े कंपटीशंस क्रैक कर देते हैं। उसके पीछे रीज़न सीधा सा है कि वो पहले, मतलब आगे के जो 3 मिनट्स मेहनत करनी है, आगे के 3 मिनट्स में जो रॉन्ग स्टेप्स भी उठा सकते हैं, वो 30 टू 40 सेकंड्स उस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि क्या वे अच्छा हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये समझ आ गया आपको? ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास है वाई इक्वल्स टू, चलो लिख रखा मैंने यहीं पे, सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है ना, ध्यान से देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, इट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगा। आप अपने नोट्स में ऐसे ही लिखना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नोट्स जरूर बनाओ, हैंड नोट्स, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस दूंगा आपको, वहाँ पर ढेर सारे प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, करोगे क्या उसका? ठीक है, आपको लर्न नहीं होगा कोई चीज़ जब तक आप पेन से नहीं लिखोगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना, ध्यान से देखो भाई, 1 अपॉन log बेस e7, ये तो आपका क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, इसमें वेरिएबल है ही नहीं,
जो वेरिएबल नहीं है तो उसको हम आराम से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। अब लॉग का पता है आपको क्या होता है, लॉग का 1/x होता है, ठीक है। मैंने रख दिया 1/x, कितना मेरे पास पता है आपको कितना है, 2x-3, ये मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल जब x नहीं होता है तो मैं उसको रेड कलर से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा भाई, d/dx ऑफ कितना, 2x-3, isn't it? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 1/log base e7 1/2x-3, ठीक है, इनटू कितना 2, दैट इज द करेक्ट रिजल्ट। ये एक वे था क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ इसी लेक्चर में आपको जो जो क्वेरीज हैं मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हो सकता है आप मुझे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड या कुछ बोर्ड एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मेरे को व्हाट्सएप पे कहीं पे भी लिखोगे, मैं उसका प्रॉपर आंसर दूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पास है y=tan(5x^(degree). सिंपल बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उसे गलती से x मान बैठते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ध्यान से देखो क्या करना है आपको, ये होगी आपके y। अब आपको मैंने जस्ट अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन आपने देखा, देखने के बाद उस क्वेश्चन को आपको एक बार एनालिसिस करना होता है, 30-40 सेकंड्स उस क्वेश्चन को देना है, तब आपको समझ आएगा क्या करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, ये क्लियर हो गया आफ्टर इसको एनालाइज करने के बाद पता लगा ये क्या है। ये है भाई, ये हो जाएगा आपके पास, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, π/180, देन एक्स है ना, देन एक्स इट इज़ अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, क्लियर है, ओके। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, sec स्क्वायर, ठीक है, 5π/180 इंटू एक्स, राइट। पता लग गया आपको फिर से वही कंसेप्ट कि यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ अलग है, एक्स नहीं है। जब एक्स नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएट, कितना d/dx ऑफ 5π/180 इंटू एक्स, क्लियर है, ओके। अब कितना बचा, sec स्क्वायर 5π/180 इंटू एक्स इंटू 5π/180, दैट्स इट, दैट इज द करेक्ट रिजल्ट। आपको समझ आया कितना आसान क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इजिएस्ट वे में, आप इनको समझते रहें किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट लगे, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, अगर आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको प्रॉपर समझते रहो, क्योंकि क्वेश्चन समझना आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना होगा, बिना इसे समझे आप मान के चलो आप क्लास 12th में अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद आप आप इसके बाद इंटीग्रल के क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके एप्लीकेशंस लगाएंगे, HOD लगाएंगे, सब चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। ध्यान से देखो, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से, ये क्वेश्चन है आपका y=log(x^3), ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क मान सकते हो, इसको आप ट्राई करो, अगर आप सॉल्व कर पाते हो दैट्स वेरी नाइस, नहीं कर पाते हो तो देखो ध्यान से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते थे, आप करके देखो, इसको नहीं होता है तो आप देखो कैसे सॉल्व होगा, अगर हो भी गया आपसे तो आप इसे जस्ट चेक करो कि आपने जो प्रोसेस लगाया क्या जो मैंने बताया था वही लगाया है, देखो ध्यान से, ठीक है भाई। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं इसकी सिंपल वे, क्या करेंगे भाई, एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस क्या पता लगा, log(3/log(x), कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये बेस हमारा किसका हो गया, नेचुरल लॉग का बेस हो गया, ई लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैं चेंज करना जानता हूँ, लॉग अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, समझ आया होगा, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करोगे, इट कैन बी रिटन एज log, ये तो मेरा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ एक सही नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म। अब कितना आया, log(e^(x) की रेस टू द पावर -1,
अब ये क्या बन गया, आप ध्यान से सोचो, तो अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है, एज अ वेरिएबल, ये वर्क करेगा वेरिएबल की तरह। कितना हुआ भाई, वाई इक्वल्स टू, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, लॉग बेस ये थ्री इजंट इट माइनस वन, ठीक है, लॉग एक्स रेज टू द पावर माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, ठीक है। अंदर वाला जो चीज है, यहाँ पे जो चीज है वो क्या है, एक्स नहीं है, क्लियर है ना आपको, एक्स नहीं है। अगेन डिफ्रेंशिएट इट, कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, क्लियर, ओके। अब आगे क्या करोगे आप इसे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग ई थ्री इंटू लॉग बेस ई एक्स रेज टू द पावर माइनस टू एंड वन अपॉन एक्स, दैट्स इट। ये करना था आपको। अगर आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं तो आप मुझे लिखें, और अगर आपको इजी लगते हैं तब भी लिखें, ताकि मुझे पता लगे, मुझे मोटिवेशन मिले आपसे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, जिन क्वेश्चंस को आप बहुत टफ समझते थे, आफ्टर दैट लेक्चर वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ओके।